देखो यार, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मार्च के पहले पहले तक जो है आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया को जो है पूर्ण करा लिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि पिछली बार के जो फिजिकल हुए थे तो मार्च अप्रैल की तेज़ गर्मी में फिजिकल की वजह से जो है कुछ घटना दुर्घटनाएँ हो गई थी, जैसा कि सर्वविदित है। तो उन्हीं सब से बचने के लिए, चाहे हम एमपी पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें और चाहे ईएसबी की बात करें, इस प्रक्रिया को जो है मार्च से पहले पहले ख़त्म कर लिया जाएगा। तो ये जो ठंड के महीने बचे हैं, दिसंबर है, दिसंबर में तो चलो गवर्नमेंट नई सरकार गठित होगी, 10 से 15 दिन का समय लग जाएगा, फिर उसके बाद जनवरी है, फरवरी है और मार्च है। तो अब आपके पास समय उतना नहीं बचा है, समय पर्याप्त जो है था आपके पास, बहुत समय हो चुका है। एमपी पुलिस कांस्टेबल का सीबीटी एग्ज़ाम हुए, अब जो है विभाग है वो ये मान के चल रहा है कि आप तैयारी कर रहे थे और अब जो है वो किसी भी समय आपकी फ़िज़िकल की डेट जो है अनाउंस कर सकता है। लेकिन बिफोर डिक्लेयरिंग द फिज़िकल डेट, उसके पहले जो है आपको क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई भी बताना पड़ेगा कि आप सीबीटी में क्वालिफाई हैं, आपको जो 7 गुना बच्चों को जो बुलाया जाना है। तो पहले, सबसे पहले आपका रिज़ल्ट आएगा ईएसपी की साइट पर, उस पर आपको बता दिया जाएगा कि आप क्वालिफाई हैं या डिसक्वालीफाई हैं फिज़िकल देने के लिए। फिर उसके बाद एक डेट पार्टिकुलर दी जाएगी कि इस डेट को इस जगह पर आपको जो है आपका फिज़िकल है। तो समय पर्याप्त नहीं बचा है, ग्राउंड शुरू नहीं किया है तो ग्राउंड शुरू कर दो जाना, हर एक चीज़ पर काम करो। बस लॉन्ग जंप को थोड़ा आप जो है पोस्टपोन कर सकते हो, उसको आखिरी के 15-20 दिन में कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट पुट और रनिंग को बिल्कुल भी जो है लापरवाही मत करो, क्योंकि उसके मार्क्स हैं सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो रनिंग के मार्क्स का है, फिर उसके बाद शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप 30-30 मार्क्स के। तो इस पर मेहनत करते रहो, ओवरऑल मेरिट से ही आपके नंबर आ पाएंगे। और समय पर्याप्त नहीं बचा है, बार बार वीडियो के माध्यम से मैं आपको मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ कि जो है आप मोटिवेटेड रहें, रोज़ ग्राउंड जाएँ, रोज़ अच्छा हार्ड वर्क करें ग्राउंड में और अच्छा परफॉर्मेंस लेकर आएँ। अगर आपको लगता है कि आप संभावित चयनित विद्यार्थियों में हैं जिसका सीबीटी में चयन हो सकता है, उसके बाद जो है आपको फिज़िकल कॉल हो सकता है, तो फिज़िकल कॉल एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी को आप जो है सफलता में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट आपकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें 100 में से 80-70 नंबर लेके आ रहे हो और वहाँ पर थोड़ा आपका कम स्कोर रहा जिसकी वजह से आप मेरिट से बाहर हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया, तो ओवरऑल स्कोर अच्छा होने की वजह से जो है आप सिलेक्ट हो सकते हैं। और आज के समय में कुछ नहीं रखा है यार, रोज़गार सब कुछ है। आप एक बार पुलिस की वर्दी पहन लेंगे तो ये एहसास चीज़ आपको हो जाएगी कि हाँ, अभी तक मैं कुछ नहीं था लेकिन अब मेरी एक पर्सनल आइडेंटिटी है और मेरी खुद की एक पहचान है, मैं कुछ बन गया हूँ। और जो आपके आलोचक हैं अपने आप शांत हो जाएंगे, कोई फिर आपकी आलोचना करने वाला नहीं है। और जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं, देखो सबसे बड़ी समस्या जो है आज के समय में बेरोज़गारी बनी है। एक तो आपको रोज़गार मिल जाएगा, दूसरा हमें देशभक्ति जनसेवा की भावना से अपने प्रदेश एवं देश की सेवा करने का अवसर मिलता है। हम डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट होते हैं, डायरेक्ट पब्लिक के लिए जो है सर्व कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सर्विस ऐसी है कि आप डायरेक्ट कनेक्ट टू द पब्लिक हैं और मौका मिलता है कुछ करने का ज़िंदगी में। वैसे सोचते हम बहुत हैं लेकिन बिना मेहनत किए, बिना जो है हार्डवर्क किए प्राप्त कुछ भी नहीं होता है। क्या एक श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही शुतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब अगर शेर को भी शिकार करना है हिरण को, तो उसको सोते सोते जो है हिरण उसके मुँह में नहीं चला जाता है, उसके लिए उसको भागना पड़ता है, उसका शिकार करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। तो इसका मतलब, ये श्लोक का अर्थ यही है कि जब तक आप भागोगे नहीं, जब तक आप दौड़ोगे नहीं, तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो अगर सफलता प्राप्त करना है तो हार्ड वर्क करो, बी मोटिवेटेड, बी ऑप्टिमिस्टिक। कभी भी नकारात्मक ख्याल अपने मन में मत लाओ कि ये होगा कि नहीं होगा, आते हैं लेकिन उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ओवरकम करने का प्रयास करो, पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करो, बिल्कुल होगा। और दो हाथ तो दो पैर वाला इंसान ही करता है, कोई चार पैर वाला नहीं करेगा। तो आपको ही करना है और आप कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।